जो पीछे के बाकी पोर्ट्स हैं उसका काम पड़ता है, जो बाकी पोर्ट्स हैं उसका कुछ काम पड़ता है? नहीं पड़ता ना अपने लिए। नहीं पड़ता। अगर आप कुछ फोटोज वगैरह निकल रहा है तो यहाँ पर वो यूएसबी लगा के फोटो निकल सकते हैं। स्पेशल सिस्टम स्टेटस 4.8 बार फोटो प्रेशर इसमें एक ही 4। बार में फिक्स कैसे आ गया? फिक्स सर ये फिक्स ही रहता है सर, 4 बार का रहता प्रेशर ना फिक्स रहता है। है। मुझे कलकत्ता वालों ने ही बताया कि हाँ आज से 10 साल पहले भी जब एनटी पे लगाते थे सिलेंडर तो यही वाला मॉक्स रेगुलेटर ही यूज़ करते तो हैं। अभी ये 4.8 ठीक है? आप 3.8 बोलते थे ना उस समय। नहीं, नहीं 2 से 6 बार के अंदर होने से बेटर अपन रहेगा। लास्ट टाइम पे लेकिन लगाया था सर, नहीं आ रहा था लास्ट टाइम, नहीं आ कहाँ रहा था? था 10 पहुंच तो रहा सर था। अपन ना इसके अंदर ना एक फाइन वो रेगुलेटर एक रहता है उसमें एडजस्टमेंट, उसको करने से फिर फिक्स हो जाता है सर। नहीं तो अभी करने की जरूरत है कि ठीक है, 4.8 आ रहा है, तो थोड़ा कम कर कर सकते हैं निकाल के। अब बोलेंगे तो मैं एकदम 4 बार के आसपास कर सकते, 4.1 जितना 4.2 चाहिए उतना। वाला आप लोग हाँ ज़्यादा तो टेक्निकली एक बार साउंड आप हो। स्टार्ट करिए देखिए, अगर वो स्टेबल नहीं ओके रहता तो मैं करता हूँ उसको, मतलब ठीक इंक्रीज नहीं होना चाहिए। है। तो पिछली बार तो अपन इसको भी ट्राई किए थे, नहीं हुआ था, पता नहीं क्या था, क्यों नहीं हुआ। अभी इसमें प्रेशर कहाँ दिखा रहे हैं? ये स्टेटस में ही बताएगा सर, तो वहीं से जाके बताएं। सिस्टम सिस्टम स्टेप स्टेटस 3.9 बार। अभी रनिंग कंडीशन में इसको अगर मैं एडजस्ट कर देता हूँ 4 बार, मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। हाँ 3.9 3.7 तक भी चलता है वो। इसको एडजस्ट कैसे करते हैं? वो पूरा नॉब निकाल सर के मैं दिखा देता हूँ आपको, मतलब फाइन एडजस्टमेंट होता है, मतलब 1 बार के आसपास होता होगा वो। अभी तो 3.9 आ रहा है। नहीं, सिर्फ उसी से ऐसे घुमा के इसी से डायरेक्ट ही पूरा निकालना पड़ता है। ये सर ऐसे करके निकलता है, इसके अंदर में एक स्क्रू रहता है ये वाला, इसको ऐसे ऐसे करके ये ऐसे करेंगे तो फिर ये निकलता है ऐसे। अब ये जो है थ्रेड, मतलब काफ़ी कर सकते हैं आपके, ये 1 2 3 4 5 6 6 थ्रेड है आपके, आप बताइएगा मुझे। हाँ ठीक है, कुछ हुआ? फोर है, फोर है, फोर है, एग्जैक्टली 4 है। ठीक है, रनिंग कंडीशन में 4 है ये, नहीं किस, मतलब इसमें इसको फिक्स कर दीजिए वेंटिलेटर को, रेगुलेटर को हाँ दूसरे फिक्स जी रखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। अपने रेगुलेटर तो बहुत एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, और भी एक दो जी पड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो फिर चेक कर लेते हैं। सर इसका एसेसरीज का बॉक्स कहाँ? ये आपका है प्रो नेजर, प्रो वाला, ठीक है, प्रो नेजर पर एक्चुअली जो स्टैंडर्ड है ये हाँ सोलर। अच्छा सोलो सोलो, तो हर इसमें नहीं आता, बट इनिशियली जितना आया था ना वो जगदीशपुर में दिया है वो सोलो सोलो ये। दिया, प्रो हाँ नहीं दिया, ये नहीं दिए। साइड में दो ही बोल लो, ये ज़्यादा बेटर है ना? नहीं ऐसा नहीं, दोनों ही सेम है। ओके नहीं, ये ज़्यादा मेरे को रोबस्ट लगता है ये वाला, नहीं आपने यूज़ करो वो बोलते हैं। जब भी स्टार्ट करना है इससे स्टार्ट करना है। कर लेंगे तो अच्छा है एक्चुअली। और ये लीक टेस्ट है। हाँ ये एक्चुअली लीकेज टेस्ट है सिस्टम का। सो फर्स्ट हमको ये वाला है टेस्ट ट्यूब, ये लगाने से यहाँ पर त्रिभुज है, और नहीं करेंगे तो देन इट विल शो नॉट नॉट परफेक्ट। परफॉर्म, ये ठीक दोनों किसी भी साइड लग सकते हैं ना? हाँ दोनों किसी भी साइड लग सकते हैं, बट केयरफुल ये वाला जब लगाएंगे थोड़ा सा ये पकड़ के लगाना, ओके त्रिभुज है यस। ओके सिस्टम में आपको इंडिकेट करेगा व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली। कनेक्ट द टेस्ट ट्यूब, तो ऑलरेडी लगा दिया हूँ, चलो ओके। ये अपना पिछला ऑक्सीजन सेल में आकर टकता था ना, जी,
मैं वो सुन रहा था मेरे अभी कितना 6-7 इंच का, ठीक है ना, उसको बहुत गलत दिख रहा है। और टेस्ट पास में फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू मशीन ऑन करने के बाद देन प्री यू चेक पेशेंट सर्किट टेस्ट ऑल डन। सो फर्स्ट आपको करना है कि आइदर पीडियाट्रिक और एडल्ट व्हाट पेशेंट यू वांट टू डू। सो वी विल गो फॉर एडल्ट पेशेंट देन वेंटिलेटर टाइप यू डोंट हैव टू नॉन इनवेसिव आपने जाएंगे इनवेसिव के लिए। देन कमिंग टू द वेंटिलेटर मोड्स तो यहाँ पर सर पूरा अलग अलग से दिया है कौन सा कंट्रोल मोड है कौन सा इंटरेक्टिव मोड है कौन सा सपोर्ट मोड है। सो नाउ यू वांट टू नो अबाउट द प्रेशर कंट्रोल मोड जस्ट स्टेप थोड़ा सा ट्रैप करके रखेंगे देन इट विल टेल अबाउट व्हाट इज प्रेशर कंट्रोल मोड पूरा डिटेल्स इसमें आ जाएगा आपको इन केस ऑफ इफ यू हैव एनी डाउट क्या क्या पैरामीटर सेट करता है। देन सो ऐसा नहीं कि हर बार आपको ये वाला प्रेस करके देखना पड़ेगा। यू वांट टू गो फॉर प्रेशर कंट्रोल प्रेस दिस प्रेशर कंट्रोल अपना प्रेशर कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल आपने सेट किया ऑक्सीजन पीप रेस्पिरेटरी रेट टाइडल वॉल्यूम ऑल द पैरामीटर्स यू नो दैट आई ई रेशियो एंड देन एक्सेप्ट एक्सेप्ट एंड देन स्टार्ट वेंटिलेशन वेरी सिंपल है यू वांट टू परफॉर्म नाउ द वेंटिलेशन स्टार्ट। So here this is a direct safe access button here. अगर आपको यहाँ से चेंज करना है तो ऑक्सीजन को ना चेंज करना कम करना है ये हमने प्रेस किया और मैंने 25 और नजर रिवर्स करके फायदा नहीं ये FiO2 है ना हाँ ऑक्सीजन से FiO2 तो पीप इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग यू कैन सी नाउ 5 आर वॉट एवर द पैरामीटर्स यू वांट टू चेंज योर डायलॉग आप ऐसा खींच सकते हो सो बोथ द वे यू कैन यूज ये वाला प्लस माइनस कर सकते हो और इधर से खींच सकते हो और एडिशनल सेटिंग देखना है तो यहाँ पर प्रेस करके आई रेशियो टी पॉज दिस आर द पैरामीटर्स यू कैन सेट। ओके सो अगर आपको मोड चेंज करना है गो टू मोड प्रेशर कंट्रोल एंड देन एक्सेप्ट मोड अच्छे ओके। सो मोड में पहले आपको बता देता हूँ दोनों कंट्रोल मोड है आप लेने लग जाएंगे देन विल गो फॉर द इंटरेक्टिव मोड एंड स्पॉन्टेनियस मोड जो एनर्जी के मशीन में आप देते होंगे प्रेशर सपोर्ट एंड देन गो फॉर द एक्सटिवेशन दिस ऑल अबाउट द मोड। नाउ कमिंग हियर दिस साइड इज द पेशेंट पैरामीटर्स यहाँ पर एडवांस व्यू है नॉर्मल व्यू है यहाँ पर देखिए अगर मशीन को स्टैंड बाय करना है तो स्टैंड बाय एंड देन होल्ड फॉर ए मिनट इट विल गो फॉर द स्टैंड बाय मोड अलार्म्स इन द कंट्रोल मोड यू कैन डू द ऑटो सेटिंग ऑफ द अलार्म कैन गो फॉर एक्सेप्ट। नेक्स्ट कम ट्रेंड एंड लॉक ट्रेंड एंड लॉक इज नथिंग बट द 22 दैट इट विल गिव। नेक्स्ट इज योर मेनूवर सो मेनूवर में आएगा आपको नेबुलाइजेशन अगर आपको नेबुलाइजेशन देना है यू हैव टू गो टू द मेनूवर देन नेबुलाइजेशन यू हैव टू कनेक्ट ऑल द पोर्ट टू गो फॉर नेबुलाइजेशन देन टाइमिंग एंड स्टार्ट कंटिन्यूस नेबुलाइजेशन। नेक्स्ट कम टू द व्यू देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ व्यू वन इज द बेसिक व्यू ऑनलाइन पैरामीटर्स विद बिग ग्राफ और इसको आपको देखना है ना इसमें प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा टेंड आ जाएगा लास्ट टेंड पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट दिस इज द एडवांस वन एडवांस में आपको और ज़्यादा पैरामीटर्स दिखेगा। नेक्स्ट ये लूप्स
where you can see the spirometry view also. So total 5 graph at a time plus your advanced parameter. Next, a distance view. This is the one good one we meant. You can see the peak pressure. What are the necessary parameters? And last one is a very good one. Family view. वो अटेंडर देखने के लिए आ रहा है, फैमिली वाला डाल दिया, उनको पता नहीं चलेगा कि मशीन चल रहा है कि है क्या है. इसके बाहर निकालने के लिए जस्ट सिंगल टच इसमें. नाउ अलार्म हिस्ट्री कॉन्फ़िगरेशन, दिस ऑल द बायोमेट सिस्टम फॉर टेक्निकल पार्ट. जैसे आप अगर इसको अपन NIV में सेट करा रहे हैं मान लो, तो कंपनसेशन यहीं से खुद से सेट कर सकते हैं. NIV अगर सर सॉफ्टवेयर है तो देन ओनली वी कैन. अगर नहीं है तो आप बोल रहे सर नहीं है तो आपको क्या करना है, मैं बता रहा हूँ आपको. अच्छा, उसके लिए और पहले और चीज़ में ये वाला है आपका कैमरा और ये वीडियो कैमरा, कि आपका देख रहे हैं कि ये वाला स्क्रीन मूव है, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपको देना पेशेंट को क्या चल रहा है. लास्ट टाइम ये जो पैरामीटर्स आ रहा है ना, ये अटेंडेंट को दिखाना, ये वाला है. आपने जस्ट यहाँ पर एक क्लिक किया, फोटोज़ लाइब्रेरी पर चले गए. यहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो. सो वीडियो रिकॉर्डिंग मीन दिस इज नथिंग बट 15 सेकेंड के लिए और टोटल 20 सेकेंड के लिए स्क्रीन में क्या क्या आ रहा है बैक टू बैक. ये आपका स्क्रीन लॉक है और ये लाइब्रेरी. अभी मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ. ये आपका सेफ स्क्रीन जो था यहाँ पे. आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक पेन ड्राइव लगा के जस्ट एक्सपोर्ट दबाएंगे ना, वहाँ पर चले जाएंगे. स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लास्ट इसका स्क्रीन में क्या क्या हुआ ये आप देख सकते हो. सो 40 डेटा हुआ, उसके बाद ऑटोमेटिक डिलीट होते जाएगा. स्क्रीन लॉक में फिर कोई और चेंज नहीं कर पाएगा स्क्रीन लॉक. अभी इसमें क्या कोई भी पैरामीटर सबको कम नहीं करेगा, सिर्फ टैप एंड होल्ड टू अनलॉक, तब जाके चेंज हो पाएगा. इस साइड है आपका ऑक्सीजन बूस्ट, ये वाला अगर आप प्रेस करेंगे तो प्रेस एंड होल्ड देन अभी 100% ऑक्सीजन जाएगा 1 मिनट के लिए. कैंसिल करेंगे तो देन विल गो बैक टू 25% हो गया. और यहाँ का जो पैरामीटर्स आ रहा है PP, दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर व्हाट वी आर गिविंग. P मेन ये है, P रेस्पिरेटरी रेट, मिनट वेंटिलेशन, डायनामिक कंप्लायंस. और ये वाला अगर प्रेस करेंगे ना और एक पैरामीटर निकलेगा यहाँ पे. बस ये आपका एक्चुअली लंग का जो पैरामीटर्स होता है ये मेनली यही आएगा. वो यहाँ पर आएगा आपको ड्राइविंग प्रेशर, सो विच इज इट शुड बी द लेस देन 15. उसमें ERDS पेशेंट में सक्सेसफुल रेट इज वेरी हाई. इसको क्लोज कर दिया. और एक चीज़ सिर्फ मतलब बहुत बढ़िया क्या है, ये जो VT/PWM मतलब हम लोग टाइडल को कैसे सेट करते हैं, पर बॉडी वेट के हिसाब से सेट करते हैं कि 70 kg का पेशेंट मीन 70 × 8. सो 50 जाएगा, नहीं तो अगर हमने 6 ml करके दे रहा हूँ तो 420 जाना चाहिए. तो इसके लिए आपको पेशेंट का डिटेल्स डालना पड़ेगा. एक एडल्ट पेशेंट है, जेंडर मेल, और इसको हाइट मान लीजिए 180, देन हाइट मैंने डाल रहा हूँ, ये वेट मैंने डाल रहा है 80 kg. अभी देखिए यहाँ पर इमीडिएटली जब मैं डाला हूँ कितना टाइडल वॉल्यूम जा रहा है, 5.5. अगर ये टाइडल वॉल्यूम मान लीजिए कि ज़्यादा जा रहा है, कि मेरा आपने टारगेट किया था 5 ml करके, अभी जा रहा है 6.8. ये जितना बढ़ेगा ना देन इमीडिएटली यू कैन सी कि मेरा लंग्स में चेंज हो रहा है, लंग्स बिकम रियली गुड. तो आप क्या करेंगे, प्रेशर सपोर्ट को कम कर देंगे, उन्होंने खाटिन कर दिया, लंग्स अच्छा हो रहा है. इसका मतलब है अगर ये जब कम होगा, अभी यहाँ पर देखिए एक मिनट वेंटिलेशन हाई के अलार्म आ रहा है, अरे
अगर ये वाला प्रेस करेंगे ना, सिर्फ सिंगल टच में इसका लिमिट आप चेंज कर पाएंगे, सिंगल टच में। पता है रेस्पिरेटरी रेट हाई अलार्म आ रहा है ना वहाँ पर, आप उसके ऊपर प्रेस कीजिए। नहीं ये नहीं, ये नहीं, वो जो अलार्म आ रहा है। अभी यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, मतलब तो कुछ फंक्शन क्या है, एक्टिव अलार्म रेस्पिरेटरी रेट हाई, व्हाट आर द पॉसिबल कॉज, चेक पेशेंट, चेक वेंटिलेटर सेटिंग, चेक पेशेंट सर्किट। हो सकता है यहाँ पर लीक है, इसके वजह से आ रहा है, वेंटिलेटर सेटिंग में कुछ गड़बड़ है, नहीं तो पेशेंट ज़्यादा एफर्ट कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए अब मैंने वॉल्यूम कंट्रोल तो देता हूँ, अब हाई आ रहा है प्रेशर आ रहा है, प्रेस कीजिए। चेक प्रेशर सर्किट, चेक एक्सपेरिमेंटल फिल्टर, चेक वेंटिलेटर सेटिंग, चेक अलार्म लिमिट। तो सर्किट में अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है शायद इसलिए दे रहे, तो जो नाइट ड्यूटी करते हैं ना इसलिए काफ़ी अच्छा है कि हर बार ये अलार्म आ रहा है, डॉक्टर को ना कॉल करें। ठीक है, देखता हूँ हमको यहाँ पर क्या क्या सोल्यूशन बताया, यही चीज़ शायद हो सकता है, हम देखेंगे। और ये जो अलार्म है सर, और ये अलार्म 360 डिग्री है, फ्रॉम एनी साइड यू कैन सी। ये वाला अलार्म मीन्स इट्स जस्ट अलर्ट यू, तो कुछ नहीं। और इसमें और एक अलार्म आता है ब्लू अलार्म, ब्लू अलार्म मीन्स जस्ट लाइक पावर ऑफ ऑफ कर दीजिए, बैटरी ऑपरेशन, ब्लू अलार्म आ रहा है। तो बैटरी पे ऑपरेशन हो रहा है, मशीन इज फाइन एब्सोल्युटली, बट ये बैटरी ऑपरेशन हो रहा है। रेड अलार्म आ रहा है मतलब दिस इज डेंजरस, यू हैव टू सी। येलो अलार्म आ रहा है मतलब लो प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी। अब यहाँ पर आपको बैटरी स्टेटस दिख रहा है 142 मिनट्स, मतलब 2-2.5 घंटा तो आराम से चलेगा। बैटरी स्टेटस भी आप देख सकते हो, 159 मिनट्स। दिस इज गुड वेंटिलेशन। और आपको नेबुलाइजेशन लगाना है, ये तो सर ने बता दिया ऑलरेडी, यहाँ पर लगा के इसमें सक्शन करना है तो पहले से। हाँ, ये सक्शन के मैं आ रहा हूँ। अभी नॉर्मली जो सक्शन करते हैं ना, अपन क्या करते हैं 100% ऑक्सीजन दिया, O2 बूस्ट देके हमने निकाल दिया। अभी देखिए जब निकल दे रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक तो गैस वेस्ट हो रहा है आपका, यहाँ पर जब सिचुएशन है तो ये आईसीयू के अंदर जाएगा, सिचुएशन होने का चांसेस काफ़ी हाई है। ठीक है, अभी ये और कितना देर तक हम सक्शन करो पता नहीं, नर्सेज होता है आईसीयू टेक्नीशियन बोलो। अच्छा ठीक है, कभी कभी आ रहा है तो मैंने कर लिया, अलार्म आ रहा है, गैस वेस्ट हो रहा है, इन्फेक्शन चांसेस हाई है, और कितना देर के लिए हमने करो ये हमको पता नहीं है। पर इसका बेस्ट सोल्यूशन है आपका सक्शन सपोर्ट, हमें सक्शन करना है। सक्शन करने से पहले आपने क्या किया, सक्शन सपोर्ट। अभी ये क्या, आपको 100% ऑक्सीजन तो हर पेशेंट को नहीं देना चाहिए, ये 25-30% ज़्यादा हो गया। आप अगर इसको 100% कर सकते हो तो करेंगे, नहीं तो आपको 35-55 ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर दिया। अभी 2 मिनट तक वही ऑक्सीजन जाएगा, इसके बीच में आपने कैथेटर लेके रेडी हो गया, पूरा रेडी है। अब मान लीजिए ये मेरा 2 मिनट होने वाला है, मैंने क्या किया इसको निकाल दिया, अभी मशीन स्टॉप हो गया, ये बिल्कुल देना बंद कर दिया। आपने सक्शन करो ऊपर से, आप उसको टाइमिंग देख रहे हो कितना देर तक मुझे सक्शन करना है, मैक्सिमम टाइमिंग आपका दिया है 1 मिनट, उसके बाद अलार्म आएगा, बट आपको 15 सेकंड, लेस देन 15 सेकंड यू हैव टू डू सक्शन। 15 सेकंड हो गया, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अभी पोस्ट ऑक्सीजेशन में आपको 100% ऑक्सीजन मिलेगा, प्लस जो वेंटिलेशन है वो स्टार्ट हो गया, ऑटोमेटिक आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, यू कैन फिनिश ऑल्सो। सो दिस इज अ वेरी गुड फीचर फॉर ऑल द नर्सिंग स्टाफ, कर पाएंगे। और मैसेज जनरली यहाँ पर आपका जितना सेटअप है, आपको ज़्यादा सर ओटी किया, कंट्रोल मोड पर डाल दिया, थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ, एसआईवी पर डाल दिया, उसके बाद सपोर्ट।
उसको सपोर्ट में लगा लिया। यही तीनों चलते रहेगा ज़्यादा, और प्रेशर सपोर्ट भी सर उसको बैकअप भी ज़्यादातर पोस्ट ऑफ तो प्रेशर सपोर्ट पे ही रहेगा। इसमें बैकअप वेंटिलेशन भी है पोस्ट ऑफ में, ये प्रेशर सपोर्ट सीपर में एक्सेप्ट। अभी मैंने अभी सांस ले रहा हूँ, लेते लेते अगर मैंने बंद कर दिया था, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेशर सपोर्ट और प्रेशर कंट्रोल, मैंने टाइमिंग भी वहाँ पर अपने टाइम 15 सेकेंड मैंने डाल दिया हूँ। अभी कोई टाइडल वॉल्यूम नहीं जा रहा है, रेस्को डी रेट स्लो। अभी देखिए सर प्रेशर कंट्रोल पर होगा, कैल्शियम रेसिप्लो पैक नेक्स्ट कर देंगे मंडे को बुलाएंगे। अभी प्रेशर कंट्रोल चल रहा है, इधर दिखा रहा है नो प्रेशर है। अगर जब भी पेशेंट रिपोर्ट करेंगे देन यू विल गो बैक टू द प्रेशर कंट्रोल चेक। दिस पैरामीटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये बीटी वर्क स्टैटिक मेजरमेंट होल्ड करना। हाँ इंस्टीट्यूट होल्ड एक पेपर पेशेंट का एज का डिटेल्स है, बैटरीज है, टर्बाइन है। 50,000 और तो चलेगा ही चलेगा। कंपनसेशन ऑटोमेटिक नहीं है? नहीं नहीं ऑटोमेटिक हमने नहीं किया, नहीं, हम सेटिंग कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अगर अपने को इसी में अभी के सेटअप में एन आई वी देना है तो सर देखिए इधर भी जब आप बोल रहे लगाएंगे कैसे लगा देंगे पेशन सर की टेस्ट। यस जैसे कनेक्ट करने कर लिया पीडियाट्रिक से अभी रीइंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर। पीडियाट्रिक हो गया ना? नहीं बाप, आप फोन पे क्या बोल रहे हैं? वो पीआरबीसी बोल के और एक सॉफ्टवेयर है ड्यूअल कंट्रोल का, ये तो वो क्या है पीडियाट्रिक सर्किट है जी एडल्ट तब में एडल्ट के लिए अनब्लॉक आई थी हो गया कर दिया। अभी आप जाइए यहाँ पर अब अभी जाइए पेशेंट सर सर्किट है कंपनसेशन अभी सर्किट कंपनसेशन हो गया। नहीं तो जब एनआईवी में करना है तो ऐसे करना है। हाँ एनआईवी में करने के लिए आपको क्या करना है, एनआईवी प्रेशर सपोर्ट सीपीएफ जो है ना इसी में लगाना है और मास्क को आपको टाइट लगाना है। हाँ मास्क है एनआईवी वाला मेरे पास, नहीं थोड़ा टाइट करके रखना। अभी क्या लीक होने से क्या होगा ना तो अलार्म आने का चांस है, थोड़ा सा अलार्म आएगा बट मैं नहीं बोलूँगा कि कर नहीं पाएंगे, कर पाएंगे बट वो अलार्म आएगा लीकेज के साथ अलार्म आएगा। और इसमें जैसे अपन सब चालू करते हैं, जैसे अपन मान लो एनआईवी दे रहे हैं जस्ट सपोज, तो इसमें अपन एनआईवी में भी सारी चीज कर सकते हैं। अपन इसमें ये प्रेशर सपोर्ट है ना, प्रेशर सपोर्ट में, प्रेशर सपोर्ट में तो अपन प्रेशर चेंज करना है ना आपको। हाँ नहीं वो ठीक है, नोट्स पे चले प्रेशर।
एक ही सा डिफरेंस रहता है प्रेशर कंट्रोल और प्रेशर सपोर्ट में, एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर आपको रेस्पिरेटरी रेट आ रहा है और यहाँ पर आपको, अपन इसमें हाई ऑक्सीजन फ्लो सॉफ्टवेयर सेटिंग से खुद से नहीं कर सकते ना? हाँ नहीं हाई ऑक्सीजन कर हाई फ्लो ऑक्सीजन कुछ और फंक्शन है जो आप इसमें बताना चाहते हो हम लोग के हिसाब से? गुड है क्योंकि ना? मेरा एनएसएस टेस्ट अभी सर्वो यार ज़्यादा लोग यूज़ किए नहीं है, तो अगर कुछ और है तो अभी कुछ नहीं भी है तो अपन यहाँ दिस बैठे हैं इज साथ ओके, साथ। इसमें एडिशनल कुछ नहीं, बट मेंटेनेंस में आपको बोलूँगा मैं, ये जो कैसेट है यहाँ पर एक फिल्टर यूज़ करने के लिए, जो उसमें है ऐसे एचएमई वाला टाइप का वो एच एम है, वो एच एम है, एच एम भी नहीं यूज़ करना, बैक्टीरिया फिल्टर है, बैक्टीरियल फिल्टर यूज़ दिया करना। हुआ हम लोग को हाँ सर एक दिया हुआ, एक नहीं बाद में 20 और मंगाया हूँ मैं, है मेरे पास घर पे पड़ा है, कौन सा वाला मैंने देखा पता नहीं। 20 पे तो मॉनिटरिंग और इंटरेक्शन बहुत अच्छा है सर इसमें कंपेयर टू अदर ओल्ड वेंटिलेटर्स। इसके बहुत इन्फॉर्मेशन थी नहीं क्योंकि सर्वेयर लेते समय कुलदीप जी ने बोले थे इनवेलेशन पोर्ट शायद नहीं रहता है इसमें करके, उनको बहुत थॉरो नॉलेज है नहीं एयर की लगता है। उसको उनका ये नहीं था पता नहीं कैसे। इसको अपरेट पोजीशन में ही रखना है तो बस इसमें डालना है ट्रक, कुछ और नहीं करने की जरूरत है। नहीं कुछ भी नहीं तो वही डालना है, कुछ तो है इसमें है क्या? हाँ दिया था आपने? है एक बार ठीक है मैनू हुआ मोबिलाइजेशन, इसमें सब टाइम सेट कर पाएंगे 10 मिनट 5 मिनट 5 मिनट में बताओ स्टार्ट कंटिन्यूस में सीधा कंटिन्यूस रहेगा। ऐसे ही बंद रखा है।